हे गाइस, तो गाइस सभी लोग को बैक टू न्यू वीडियो गाइस। और आज का आज फर्स्ट टेस्ट डे वन, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो टॉस कर लेते हैं, बहुत दिन बाद में आया हूँ, एक मुसीबत में था इसलिए नई वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, इसमें सॉरी। तो चलते हैं टॉस, और यहाँ पर इंडिया टॉस जीत के सबसे पहले लेंगे बैटिंग आज के मैच के लिए। आ रहे हैं यहाँ पे टेस्ट के मैच के लिए आ रहे हैं। तो पहली बॉल बट स्टैक शॉट बढ़िया से गैप में और चौका के साथ इस मैच को यहाँ पे स्टार्ट। तीन बॉल चार रन यहाँ पे अच्छी खेल रहे हैं, शॉर्ट एज के साथ एक रन ले चुके हैं और एक रन लेने इसको काफी लगता अपील कर रहे हैं, लेकिन इस अपील का कोई फायदा नहीं मिलेगा इसको। तो देखते हैं, मेरा गला भी ठीक हो चुकी है, तो चलो देखते हैं फिर से एक बार। 11 ओवर ए जंपर से कर रहा है पीले पे नथन लायन और अंपायर कह रहा है ये आउट है। और यहाँ पे इंडिया कह रही है कि क्या करूँ, आउट अपील करूँ या ना करूँ। तो चलते हैं अपील कर लेते हैं, देखते हैं क्या होते हैं, बच जाऊँ तो अच्छी रहेगा। तो रिव्यू, और यहाँ पे रिव्यू आ चुका है कि ये है नॉट आउट। फिर से एक बार 22 ओवर 116 रन ड्राइव, बहुत अच्छा शॉट यहाँ पे आकर ऑल एक रन लिया और एक रन ही इसको काफ़ी मज़ा आएगा। 120 रन 22 ओवर चार बॉल शॉट एज एक बार फिर से और यहाँ पे मिल चुका है चौका। टेस्ट मैच के लिए भी बहुत अच्छे खेल रहे हैं यहाँ पे इंडिया। एक बार फिर से मेरा फेवरेट शॉट लगा दिया है आकर ऑल और यहाँ पे मिल गया एक और चौका। तो चलो आज के मैच मतलब डे वन का यहाँ पे क्या बताऊँ, लंच ब्रेक ऑलरेडी हो चुका, मतलब पहला स्टेशन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे इंडिया बैटिंग कर रही थी और 170 रन के ऊपर तीन रन कर चुके हैं, दो विकेट जा चुके हैं यहाँ पे इंडिया का। तो चलते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं सेकंड इनिंग्स के सेकंड सेशन खेलने के लिए यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो चलो पैक का मैच बॉलिंग के लिए और एज गैप यहाँ पे बहुत अच्छा शॉट और यहाँ पे मिल चुके हैं चौका। 177 रन पैट कमिंस उजाड़ा, ओह व्हाट अ गेम, डियो कट दे चुकी थी लेकिन एक रन लिया और एक रन ही इसका मजा आते हैं इंडिया को, ठीक है। और इस एक रन के साथ 50 अब यहाँ पे हो चुके हैं पुजारा नथन लायन। इस बार पुजारा एक बार फिर से बैकफोर्ड, यहाँ पे शॉट बढ़िया थी गैप में से गई और फोर हो चुके एक और यहाँ पे 237 रन की विकेट यहाँ पे शॉट अच्छी थी। फिर से एक बार फ्रैंकफुर्ट पे इस बार एक रन और दो रन लेने मुश्किल हो सकते हैं बट करने पे अपील, लेकिन शायद यह नॉट आउट है। तो चलो पैट कमिंस रहा है स्ट्राइक्स पे और बोल्ट यहाँ पे क्लीन बोल्ट कर दे चुके हैं पैट कमिंस, व्हाट अ गेंद थी योर कट और यहाँ पे जा रहे हैं इंडिया का विकेट, बहुत ही नुकसान हुआ। और ये विकेट के साथ आज के मैच का दूसरा सेशन यहाँ पे ख़त्म हो रही है और तीसरी सेशन के लिए सब लोग हैं तैयार, हम भी तैयार हैं। तो देखते हैं क्या होती है, टी ब्रेक है इस बार, तो चलो हम लोग चलते हैं और देखते हैं थर्ड सेशन में क्या होती है। तो आ रहा है यहाँ पे थर्ड सेशन तो और इंडिया भी आ रहा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है। तो चलो पैट कमिंस एक बार फिर से अश्विन स्ट्राइक पे सेम डिलीवरी, इस बार गैप में गई और एक रन इस बार आउट नहीं हुआ लेकिन दो रन ले चुके हैं, बहुत अच्छे खेला 303 रन 77 ओवर मिड स्टैक एडवांस एज लेकिन कुछ नहीं हुआ। 348 बैकफुट एज एक रन लेना है, डायरेक्ट कर चुके हम पट से कर रहे हैं अपील लेकिन शायद ये बच गया। तो पैट कमिंस एक बार फिर से बॉलिंग, यॉर्क का गैप यहाँ पे एक रन और एक और रन, मोहम्मद शमी यहाँ पे खेल रहे बैटिंग 390 रन कंप्लीट, नहीं एक रन कम है सॉरी। शॉट अगेन बैकफुट पे गैप और थोड़ी सी लिए नहीं हुआ यहाँ पे चौक। तो देखते तीन बॉल यहाँ पे सेम शॉट, उद्यमन शाह एक रन लिया यहाँ पे, तो रन लेने से कुछ फायदा नहीं होता। लास्ट बॉल डे वन बैकफुट शॉट बढ़िया सा गैप में डायरेक्ट अंपायर से कर रहे हैं यहाँ पे अपील लेकिन ये नॉट आउट है। और इसके साथ साथ यहाँ पे डे वन खत्म हो चुकी है। तो चलते हैं, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ चुके हैं
और पहला स्टेशन खत्म। 325 रन हो चुके हैं यहाँ पे, 395 सॉरी गाइस, मतलब 5 रन कम 400 होने पे। तो दोस्तों मिलता अपने साथ एक न्यू वीडियो पे, तब तक खेल लगेगा, खुश रहेगा, हमारे चैनल के साथ ही रहेगा। बाय बाय।